देखिए मेरी पहली नजर, देखिए मेरे साथ चाय की चौपाल। देश ने क्या खोया और क्या पाया, बेरोजगारी की ओर बढ़ता हुआ युवा, देश विकास से दूसरों को चाय की चौपाल में जानेंगे क्या है मतदाताओं का रिझान। मैं आ रहा हूँ आपके अपने MNS न्यूज चैनल पर, देखिए मेरे साथ चाय की चौपाल। मैं शरद लांजेवाल लेकर आ रहा हूँ आपका अपना प्रोग्राम चाय की चौपाल। आपकी अपनी मन की बात होगी मेरे साथ आपकी चाय की चौपाल। नमस्कार, मैं रवीना, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं चाय की चौपाल। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र का मतदाताओं का क्या है रिझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची लखनऊ। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर लखनऊ से। अभी हम भंडारा लोकसभा क्षेत्र के लखनऊ तहसील में अभी खड़े हैं। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले 11 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं भंडारा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस राष्ट्रवादी की आघाड़ी है, राष्ट्रवादी की तरफ से नाना पंचबुद्धे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील फुंडे, ये दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में लड़त है। और हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र लखनऊ के अंदर आकर यहाँ के ग्रामीण लोगों के क्या विचार है चुनाव के बारे में, और यहाँ की जनता अपने उम्मीदवारों के बारे में क्या जानती है, क्या चाहती है, और वाकई में पिछले 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में और राज्य के अंदर देवेंद्र जी की सरकार, इस सरकार ने क्या वाकई में विकास किया, विकास के काम हुए कि नहीं हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, जो वादे किए थे वो वादे निभाए कि नहीं निभाए, इसकी सारी चर्चा आज की चाय की चौपाल में हम करने जा रहे हैं। मैं निषाद लांजेवार आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में कुछ मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए हमारे साथ में राउत जी हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेतृत्व करने के लिए ढूरे जी हमारे साथ में हैं, और मिसार जी साथ में हमारे यहाँ पर मौजूद है। हम आइए एक एक करके इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में विगत 4-4.5 साल के अंदर देश ने प्रगति की या नहीं की। राव जी मुझे बताइए कि विगत 4-4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य और केंद्र के अंदर जिस तरह से अपना वादा किया था, उस वादे को क्या वाकई में निभाया है, क्या लगता है कि देश के अंदर तरक्की हुई, विकास के काम हुए हैं? बिल्कुल, गेली 4.5 वर्षामध्ये केंद्रामध्ये सन्माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांच्या नेतृत्वात आणि राज्यामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकरी असो गोर गरीब असो की या देशातील राज्यातील सामान्य वर्ग असो यांच्यासाठी अत्यंत उत्तम असे कार्य दोन्ही आमच्या सरकारने केलेले आहेत। नुकतेच शेतकऱ्यांसाठी दानाचा बोनस 500 रुपये हा महाराष्ट्र राज्यामध्ये आम्ही जाहीर केलेला आहे, आणि त्याचबरोबर केंद्र सरकारने हमीभाव जो जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही तरतूद केलेला होता काही प्रयत्नामध्ये तो हमीभाव आम्ही दिलेला आहे। म्हणजे एकंदरीत देशात म्हणा किंवा राज्यात म्हणा विकासाची कामे हे पूर्ण नाही परंतु 90% ही झालेली आहेत। विकास के काम हो रहे हैं, 90% विकास के काम हो रहे हैं इनका कहना है राउत जी का, और किसानों को खास करके बोनस 500 रुपये बोनस भी दिया करके उनका कहना है, और खास करके विकास के काम चालू है। ढोरे जी मुझे बताइए, जिस तरह से अभी राउत जी ने बताया कि विकास के काम हो रहे हैं, किसानों को 500 रुपये का बोनस दिया जा रहा है और वाकई में किसानों के मतलब हित के काम किए जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, क्या आप इनके? नहीं, ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया नहीं है। जो 500 रुपया बोनस दिया है वो क्या है कि जैसे कि बच्चा रो रहा है और आखिरी समय में कुछ अपने पास चांस नहीं है, आने वाले चुनाव के लिए अपन जनता के सामने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 500 रुपये बोनस दिया है। ख़ास तौर से देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में का जो युवा वर्ग है वो आज भी बेरोजगार करके घूम रहा है, और जो सरकार ने वादे किए थे 5 साल के अंदर कि जैसे कि नोटबंदी से हर एक को रोज़गार मिलेगा, और मोदी साहब ने नोटबंदी की है मगर किसी को रोज़गार नहीं मिला। रही बात उनकी मुद्रा लोन योजना की, तो वो भी अनसक्सेस हो चुकी है। चलो 100 में से किसी 1-2 को मुद्रा लोन मिल गया, बाकी को कुछ नहीं मिला ना। जैसे कि जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे उस वादे के हिसाब से, चलो 90% ये बता रहे हैं, 90% के हिसाब से छोड़ा जाए तो करीबन 10% या 20% मिला रहता, तो आज का युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त नहीं हुआ होता। इनका कहना है कि बिल्कुल मुद्रा लोन जैसा हो गया, नोटबंदी हो गया, ऐसा कोई असर नहीं हुआ। देखो, पिछले 2 महीने के पहले मुद्रा लोन के बारे में एक
अभी सभा हुई थी, जहां हमारे लखनदुर के जिन्होंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया है, आप बैंक में जाके उनकी जानकारी ले सकते हो, करीबन उनको मुद्रा लोन मिला है। और रही बात जिनको नहीं मिला है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्री या बैंक वाले अधिकारी, कुछ लोगों ने पहले मुद्रा लोन लिए, उन्होंने वो वहाँ पे पूरा नहीं किए, तो ऐसे कुछ गांव है जिनको वहाँ मुद्रा लोन नहीं मिला है। मतलब बीजेपी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वाकई में बड़ी ईमानदारी के साथ में उन्होंने कबूल किया कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बैंक ने लोन दिया है। मिश्र जी, मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से केंद्र के अंदर है, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों के उत्पादित माल को दुगना मतलब रेट देंगे, बेरोजगारों को लोगों को रोजगार देंगे, वाकई में ये काम हुए हैं? पूरे काम बराबर हुए हैं। मोदी जैसा आदमी होना पंतप्रधान इस देश में, जब देश चल सकता है, गरीबी नाम की कोई अपने ये नहीं है, जो काम करने वाला ज नहीं होगा वो गरीब ज होगा। पर मोदी जैसा और मैं सुनील मेंडे जैसा आदमी हो ना अपने क्षेत्र में, मतलब मोदी जी ने अच्छा काम किया, यहाँ पर ये कहना है, क्या अभी इनके बातों से सहमत हो? मेरा ऐसा कहना है साहब कि जब मोदी सरकार ने जब उनको देश के लिए वचन दिया था कि 15 लाख रुपए मैं प्रत्येक काश्तकारों के खाते में जमा करूँगा, सबको नौकरी दूँगा मैं, तो ये धान का जो बोनस था, तो पहले धान गरीबों के निकलते हैं, पहले धान बेचने के लिए अगर पहले दिया रहता बोनस, जाहिर किया रहता 20 रुपये क्विंटल 2200 रुपये क्विंटल, ऐसा अगर दिया रहता तो ये गरीब आदमी का फ़ायदा हो गया रहता। अभी वो क्या हुआ कि ये बड़े काश्तकारों ने यानी धंधे वालों ने गरीबों के पास से धान लिए, और वो धान का जो 7-12 था वो काश्तकारों के वो व्यापारी के खाते में गया, उनका फ़ायदा हुआ, गरीब का क्या फ़ायदा हुआ? मतलब आपका कहना है कि जो सरकार ने जो 500 रुपये का बोनस जाहिर किया, वो किसानों को नहीं मिल रहा है? नहीं ना, वो व्यापारी के घर में जा रहा है, मतलब इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ किसानों को? कोई नहीं हुआ क्या? ऐसा अगर फ़ायदा हो गया रहता तो पहले तो अच्छे दिन आ गए रहते। अब गरीबों के पैसे चले गए ना, गरीबों ने क्या होता है 10 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसे बेचने वाले बेचारे गरीब आदमी रहते, उसके पास में पैसा नहीं रहता, वो जल्दी बेच देते, क्या वो व्यापारी ले लेते, व्यापारी का फायदा होता है, गरीबों का क्या फायदा होता है? सही बात, इनका कहना कि गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है, 500 रुपये का बोनस भले ही मिला होगा लेकिन वो किसानों के खाते में नहीं जा रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा है, व्यापारी को वो पैसा मतलब मिलना चालू हो गया, इसका आम आदमी को कोई मतलब उसका फायदा नहीं हुआ है? नहीं ना, बिल्कुल। मुझे बताइए कि सारे मुद्दे आपने सुने राउत जी, और काफ़ी रोष है कि फायदा नहीं हुआ, किसानों का फायदा नहीं हुआ, बोनस तो मिला लेकिन किसानों को नहीं मिला, व्यापारी को मिल रहा है, यही अगर पहले चालू कर देते, पहले घोषणा कर देती तो शायद किसानों को ज़्यादा उसका लाभ हो जाता, लेकिन सरकार ने देरी कर दी। देखो, हर साल किसान को 200 रुपये बोनस गवर्नमेंट ने जाहिर किया है, उसके बाद ये 200 के ऊपर और 200-300 रुपये बोनस जाहिर किया है, और इनका जो कहना है कि व्यापारी वर्ग को जो बोनस मिला है, ये सरासर झूठ है। आप फेडरेशन में आधारभूत केंद्र पे जाके दीजिए, वहाँ पे जो 7-12 है वो शेतकरी के नामों से है। अब वो व्यापारी वर्ग और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50 क्विंटल की ये आधारभूत रखी है, उसके ऊपर वो बोनस दे नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से सभी को यानी जिन्होंने आधारभूत केंद्र में अपना माल बेचा है उन सबको बोनस मिला है 500। अपने ज़िले में क्या क्या समस्या है? हमारे ज़िले में बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि ये भेल प्रकल्प जो माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने भेल प्रकल्प चालू किया था, लोग कहते हैं कि मोदी ने ये किया वो किया, मानते हैं नहीं मानते हम, मगर जैसा कि भेल प्रकल्प जो है बीजेपी की सरकार बहुमत से केंद्र में आ गई, उन यहाँ पे उनका सांसद भी था, चलो सांसद बाहर निकल गया, तो मोदी साहब का एक काम था कि वो जो भेल प्रकल्प बंद हुआ है उसे दोबारा चालू किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो साकोली से जो रोड आ रहा है अपने लखनदुर में, वो कितने 6 महीने से कितने भी दिक्कतें जा रही है, इतनी दिक्कतें जा रही है कि साइकिल से तो 2-व्हीलर से तो छोड़ो, मतलब काफ़ी समस्या है। भेल का प्रकल्प बीजेपी ने बंद करवाया सर, आपका हाँ काफ़ी समस्या, किसानों की समस्या, रास्ते की समस्या है।
हमारे साथ में अभी नगर परिषद के लाखांदुर के गट नेता रामचंद्र राव जी भी जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राव साहब, मुझे बताइए कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे पर खरी उतरी है? और अपने भंडारा लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी तो समस्या है कि पिछले महीने में भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष राव साहेब दानवे, उन्हें किसानों को साले बोला था, और कल भाजपा के जो प्रवक्ता है अवधूत वाघ, उन्होंने ये कहा कि जो 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 किसानों ने आत्महत्या का किए हैं उनके सब बच्चे लावारिस है। ये प्रोग्रामी विचारा का देश है, ये शाहू फुले अम्बेडकर का देश है। अगर शाहू फुले अम्बेडकर के देश में अगर कोई भाजपा का या कोई अलग विचारों का आदमी अगर गाली देता है तो वो सभी समाज को गाली होती है, ये निषेध है। मतलब जो बड़े नेताओं ने जो गाली गलौज किया है, किसानों के बच्चों को लावारिस करके बोल दिया, सारे बोल दिया, मतलब ये किसानों का अपमान उन्होंने करना चालू कर दिया, ऐसा आपका कहना है? मुझे बताइए, अपने भंडारा लोकसभा क्षेत्र के अंदर अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस तरफ के से नाना पंचमुद्दे खड़े हैं, बीजेपी की तरफ से सुनील मिंड है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से डॉक्टर विजय नंदुरकर है, ये तीनों चारों उम्मीदवारों के अंदर एक लड़त होने जा रही है। क्या वाकई लगता है कि ये उम्मीदवार हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, क्या विकास कर पाएंगे? विकास तो भाजपा कर नहीं सकती। उन्होंने विकास जो किया अपना पर्सनल विकास किया है, ना किसानों का विकास किया है, ना लाखांदुर का डेवलपमेंट हुआ है, ना कोई जिले का डेवलपमेंट है। अगर अपने को अपने तालुका का जिले का डेवलपमेंट करना है तो महागाड़ी के जो उम्मीदवार हैं नाना भाऊ पंचमुद्दे, उनको चुन के लाना जरूरी है। या कोई भाजपा बोलती है कि हमने डेवलपमेंट किए तो उन्होंने बताना चाहिए। आरक्षण का जो मुद्दा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि 52% के ऊपर अपने को आरक्षण दे सकता है। जो समाज ब्राह्मण समाज 3% है, मोदी ने उसको 10% आरक्षण दिया, ये तो बाबा साहब की घटना के अपोज में है ना। ये कहाँ का न्याय है? जब हम 85% है तो हमको 27% आरक्षण, और जो समाज 3% है उनको 10% आरक्षण। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसी नौकरी मिलेगी? और अभी तो आरक्षण का विषय ही नहीं है, जब घटनाएँ बदलने का सोच रहे हैं इन लोग, तो घटनाएँ जब नहीं रहेंगी तो ओबीसी वर्ग का जो वर्ग है वो कहाँ से नौकरी मिलेगा? भाजपा ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को, मतलब बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन देखा जाता है कि अभी तक की उतनी कोई नौकरी मिली नहीं है। नहीं, कैसा है, अभी कुछ माह पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेगा भर्ती का ऐलान किया है, एडवर्टाइज भी निकली है, और धीरे धीरे वो सब हो जाएगा, यानी युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, पिछले 6 महीने के पहले सम्माननीय सुनील जी मिंडे जो हमारे उम्मीदवार है, उन्होंने रोज़गार मेला भंडारे में 6 महीने के पहले हमने किए, वहाँ करीबन 5-6 हज़ार से तरुण बेरोजगार होंगे, उनको कंपनी में हमने जॉब दिया दिलवाया है। मतलब बीजेपी की तरफ से जो भी काम चल रहा है, रोज़गार देना चालू है। इस साल नहीं, 5 साल में बेरोजगार के मेड़ा भी नहीं क्या, 15 मेड़ा भी हुए, मुंबई से लेके, ठाणे से लेके, कल्याण से लेके, भंडारा से लेके, गोंदिया से लेके, लेकिन ये तालुका के बेरोजगार है, ये घर में बैठे के बोलते हैं हमको सर्विस मिलनी चाहिए, वैसे नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट जब मेड़ा भी लेता है तो उसमें जाना चाहिए, उसमें सहयोग लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, बराबर है। आज मोदी साहब ने प्राइवेट सेक्शन में भी 7वां वेतन लागू किया, तो अभी ये नहीं रहा कि ये प्राइवेट है और ये सरकारी है। सरकार का जो नियम है, जो भी कुछ है, गरीबों के हित से सब तरफ उसने देना शुरू किया, यानी इस भाव से जो गरीब का विकास है, इस भावना से होगा। तो पहले क्या था, कांग्रेस के कार्ड में सिर्फ अमीरी को जो मिलता था तूल, अब वैसा नहीं रहा। प्राइवेट सेक्टर हो, पेंशन लागू किया गरीबों के लिए, श्रमदाय योजना हो गई, समझ गए। और दूसरी बात, गरीबों के लिए कौन सी पेंशन योजना है? श्रमदाय योजना अभी शुरू की है ना जी, 3,000 रुपये महीना श्रमदाय के लिए, गरीबों के लिए, हाँ गरीबों के लिए श्रमदाय योजना पेंशन शुरू की अभी। और उसके बाद गैस योजना का तो एक किया, लेकिन ये बोल रहे कि वो बेकार, बेकार नहीं है ये सब, कांग्रेस जो है। लेकिन गैस के भाव भी तो बढ़ गए ना? नहीं तो कम भी बढ़ गए जी, कम किए ना, कम किए ना। कांग्रेस के जमाने में 350-400 रुपये में एक सिलेंडर मिलता था, लेकिन अभी 900 रुपये के ऊपर हो गया। लेकिन उनकी कीमत 4,500-5,000 थी ना जी कनेक्शन लेने की, और अभी तो कम है ना, जो कनेक्शन मिलता है वो तो फ्री मिल रहे ना। क्या आप इनके बातों से सहमत हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिलेंडर उसी कीमत में मिल रहा है जिस समय, उस समय जो कीमत में मिल रहा था, लेकिन सिलेंडर की अभी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है फिलहाल में। और दूसरी बात है, बेरोजगार की जो बात है, केंद्र में जो मोदी सरकार आई है पिछले 5 साल में, उन्होंने अभी तक सिर्फ गाजर दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। और अभी जब चुनाव आए हैं तो अभी बोल रहे कि हम ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे करके,
तो 2023 तक देखे हमको क्या फ़ायदा है। तो अभी 5 साल उन्होंने गब्बर बने वो लोग सारे के सारे, पैसा उन्होंने अपने जेब में भर लिया सबका सब, लोगों को कुछ भी नहीं दिया। अब आने वाले 5 साल में वो क्या देने वाले हैं? तो किसान को 6,000 रुपये भी मतलब प्रति हेक्टर देने का वादा किया। हाँ तो वो चुनावी जुमला है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। चुनावी जुमला है केवल, किसानों को 6,000 रुपये देने का वादा जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया ये चुनावी जुमला करके यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है। सच मुझे बताइए, सरकार ने 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर क्षेत्र की जो जगह है किसानों की उनके लिए 6,000 रुपये देने का वादा किया, क्या ये वाकई में चुनावी जुमला है या देने वाली है? ये चुनावी जुमला तो है और ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये सब लोगों को चुतिया बना रहे कि हमारे यानी जो बहुजन लोग है SC NT OBC और ये मूल निवासी है भारत के यानी रहवासी है, तो उन्होंने पार्टी निकाल के उनको आमिर देके चुतिया बनाने का काम किया है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने भी तो 72,000 रुपये सालाना एक जो जिसके कम न्यूनतम आय है उनको सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया। जब वो सरकार 6,000 रुपये देने का दे रही है तो उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं है, लेकिन 72,000 रुपये देने का वादा राहुल गांधी ने किया, क्या इसके ऊपर विश्वास है? हाँ इसके ऊपर ज़रूर विश्वास इसलिए है कि ये यानी 6,000 का जो जुमला BJP सरकार ने किया था तो जुमले में कैसा है कि भाई ये चुतिया बनाने का काम करते यानी ये भारतवासियों को, तो हम ईमानदारी से यानी उनको 72,000 देंगे उनके लौते, तो झूठे जुमला नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी झूठ जुमला हुआ रहता तो भी लोग उनको क्वेश्चन पूछेंगे राहुल गांधी को, इसलिए वो कर नहीं सकते ऐसा, तो इसमें हमारा विश्वास है। मैं तो राहुल गांधी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, कांग्रेस ने आज तक जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। जैसे कि भारत देश स्वतंत्र हुआ था इंदिरा जी ने बोल दिया था कि गरीबी हटाओ, देश की गरीबी हटाओ। इंदिरा जी, राहुल जी और जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के आए हैं उन्होंने गरीबियों को इतना कुछ दिया है कि चाहे वो घरकुल हो, चाहे वो विहीर हो, चाहे श्रावण बाड़ योजना हो, चाहे संजय गांधी योजना हो, चाहे यानी हर जो 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 सवाल किए गए थे वो पूरे वादे उन्होंने पूरे किए हैं। इसीलिए आम जनता का कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के और से सबसे बड़ा यकीन है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं वो सत्ता में आने के बाद पूरे करेंगे, क्योंकि BJP सरकार पूरे वादे कर नहीं सकती। और आज तक जो कुछ BJP ने वादे किए हैं वो पूरे खोखले वादे किए हैं, चाहे वो सुशिक्षित बेरोजगार के हो, चाहे वो किसान के फसल के हो, चाहे वो आधारभूत मूल्य हो, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे कि गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना चालू किया था, वो ऑलरेडी सिर्फ नाम चेंज किया गया है, ऑलरेडी तो मिल रहा था ना। नहीं तो मुझे बताइए कि ठीक है आप कांग्रेस के तरफ से राष्ट्रवादी की तरफ से आप बात कर रहे हो कि मतलब मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, इनका आरोप है कि 70 साल के अंदर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। नहीं 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 जैसे कि भारत देश स्वतंत्र हुआ था इंग्रजों ने हमारे हाथ में खाली कटोरा दिया था, देश की सुरक्षा व्यवस्था डामाडोल हो गई थी। उस समय से लेके आज तक कांग्रेस ने जो कुछ किया वो देश के लिए इतना बहुत कुछ दिया, ये हमारे भारत देश में शादी सुई भी नहीं बनती थी। आज कांग्रेस का कहना है कि भारत देश के अंदर कांग्रेस ने बहुत सारा विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 4.5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, जो 17 साल के अंदर नहीं हुआ वो केवल 5 साल के अंदर हमने विकास किया है। मैंने ये ग्रामीण भाग का विकास होने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं इसके लिए मैंने कंपनी खोला था CFL लाइट वाली, समझ गए, मैंने सर्विस छोड़ के गरीबों का विकास करने के लिए। ये कांग्रेस के कार्ड में ये नाना भाऊ पटोले या खासदार हुआ और आमदार था और प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने मेरे को NOC नहीं दिलाने दी और वो कलेक्टर की बदली करवाए, क्यों? ये किसान नरेंद्र मोदी ने विकास के काम किए क्या ये मुझे बताइए? अभी कंपनी शुरू करने के लिए दिया भंडारा जिले के अंदर जो बेल कारखाना जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जो है प्रफुल्ल पटेल इन्होंने लाया था, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर सरकार आई उन्होंने बेल का कारखाना बंद करवाया, ऐसा आरोप है। मोदी साहब ने नाना पटोले को बोला कि वो शुरू करो, नाना पटोले ने शुरू नहीं किया, ये गलती नाना पटोले की है। नाना पटोले की कैसे हो सकती है? नाना पटोले की बातें किसानों की बात जब नाना पटोले ने इनके ऊपर किया, मोदी जी के साथ में किया, तो जब किसानों की बात, क्योंकि नाना पटोले ने इस्तीफा इसलिए दिया कि किसानों की बात उन्होंने सुनी नहीं, स्वामीनाथन आयोग उन्होंने लागू नहीं किया, OBC के लिए मंत्रालय बनाने की बात उन्होंने नहीं किया, ये कह रहे हैं नाना पटोले कि ये इसकी बातें उन्होंने सुनी नहीं इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। इनका जो आरोप है कि भेल कारखाना बंद किया, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, लखानदुर में प्रफुल्ल पटेल जी ने सुगर प्राइवेट लिमिटेड कारखाना चालू किए थे, वो बंद क्यों किए? क्यों बंद किए? इसका जवाब उन्होंने हमको देना चाहिए। तो बंद क्यों किए? क्यों बंद किए?
कारखाना क्यों बन गया? प्रफुल्ल पटेल ने जो कारखाना चालू किया था वो कारखाना क्यों बंद हो गया? जैसे मोदी सरकार दिल्ली में आई, देश के 50% कारखाने शक्कर कारखाने बंद हो गए, उसमें से एक कारखाना था, क्योंकि शक्कर की जो पॉलिसी थी जो शरद पवार ने उनको बताई थी, तो मोदी ने वो एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से देश के 50% कारखाने एक साथ बंद हुए, उसमें से ये भी कारखाना था। नहीं, ये कारखाना बंद होने की वजह उन्होंने बता दी है। सर मुझे बताइए कि वाकई में भंडारा ज़िले के अंदर जो जो वादे सरकार ने किए थे उसकी कार्यपूर्ति हुई है? एक भी कार्यपूर्ति नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। अभी तक जितने भी वादे मोदी सरकार ने किए हैं उसमें से 10% भी उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, और वो चाहते कि हम आने वाले 5 साल में वो वादे पूरे करें। अभी भंडारा ज़िले में जो उम्मीदवार खड़े हैं, क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर जीत हासिल करेगा? कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए आपको क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस ने बेरोजगारी बढ़ाई है और किसान को आत्महत्या के लिए प्रवृत्ति किया है, इसलिए भाजपा का उम्मीदवार चुन जाएगा और मोदी सरकार केंद्र में बैठेंगी बहुमत से। आपको क्या लगता है? 350 फिर एक बार मोदी सरकार इस देश के युवाओं को देखना चाहिए कि उनको कैसा पंतप्रधान होना, जो छीना तानने वाला पंतप्रधान है या संसद में आग मारने वाला पंतप्रधान होना, ये इस देश के युवाओं ने सोचना चाहिए और वैसे उनको अपना मतदान करना चाहिए। क्या लगता है वकील साहब? ये अभी कोई मोदी जी पंतप्रधान बनने वाला नहीं है और सबके अंदर में तो रहने वाला है, क्योंकि इनके धोरण में जो लॉलीपॉप देने का काम है तो जनता समझ चुकी है। इसलिए कोई क्षेत्रीय दल भी आएंगे, कांग्रेस भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये मोदी की हवा पूरी ख़राब है और ये आ नहीं सकता। और ये बड़े बड़े अमीरों का काम करने वाले, शेरजी भजिंग का काम करने वाले, ये अपने जो क्या बोलते अपने बिरला टाटा के काम करने वाले, और जिसको जो नॉलेज नहीं रहते लोग उनके गुणगान गाते, जिसको हाफ नॉलेज रहता है, पढ़ाई नहीं रहती, डिटेल में स्टडी नहीं करते, और इसलिए गुलाम है ना, गुलाम की व्याख्या भी नहीं समझती उनको, कुछ भी बक देते, कारखाना बन हो गया क्या है सवाल है, उसमें से 50 लोगों से बना, अभी भी हो सकता है वो। राव जी मुझे बताइए, पिछले नगर पंचायत के चुनाव में, लाखांदूर के नगर पंचायत के चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुड़े जो ऊर्जा मंत्री है, बिजली मंत्री है, उन्होंने कहा था कि यदि नगर पंचायत लाखांदूर की अगर बीजेपी के हाथ में आती है, सत्ता आती है, तो एक महीने के अंदर अंडरग्राउंड सिस्टम का पूरा मतलब करवा देंगे। क्या ये वादा पूरा किया? नहीं, हो जाएगा ना, वो भी वादा हो जाएगा। अभी नगर पंचायत के अंतर्गत मेरे ख्याल से 8 करोड़ के हमारे गठनेता है आपके कांग्रेस के, 8 करोड़ के काम आए हुए हैं, तो धीरे धीरे जो वादे किए वो सब पूरे हो जाएंगे 5 साल के अंदर। क्या लगता है भंडारा ज़िले के अंदर जो विकास के काम ये जो बताते हैं, सरकार बताती है, क्या इससे आप सहमत हो और क्या दिक्कत है? नगर पंचायत में 8 करोड़ नहीं, 5 करोड़ के काम है, लेकिन उसमें अंडरग्राउंड लाइन का प्रस्ताव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 4.5 साल में 1200 लोगों ने किसानों ने सुसाइड किए, आत्महत्या की है, और कोई भी किसानों को अभी तक सरकार ने मुंहबदला नहीं दिया, इसलिए महागाड़ी के उम्मीदवार नाना पंचबुद्धे चुन के आएंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि 2014 में जब मोदी प्रचार कर रहे थे तो उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार, काला धन, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, उसके बाद में 15 लाख हर लोगों को मिलने वाले, ऐसा उन्होंने प्रचार किया था। ये इलेक्शन में वो एक भी मुद्दा नहीं ले रहे, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग भी नहीं लगा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी नहीं लगी, उसके बाद में काला धन नहीं आया, उन्होंने बोला था कि काला धन लाऊंगा, नहीं लाया, 100 दिन में तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात, ये जो नोटबंदी की है उन्होंने, नोटबंदी से पूरा माहौल ख़त्म हो गया ये लाखांदूर के अंदर। ये मोदी जब से सरकार आई और नोटबंदी हुई, तब से यहाँ जो मकान बनने का जो प्रोग्राम था, लोग घर बना रहे थे, वो सब खत्म हो गया, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक की बात जो आपने बोले, तो अभी ये लाखांदूर के अंदर हर एक पोल को खाली बल्ब लगा हुआ है, वहाँ अभी तक के कनेक्शन नहीं लगा है, और ये बावनकुड़े की नाकामी है, इसके वजह से हमारा ये नाना पंचबुद्धे बहुत वोटों से चुन के आएंगे। बावनकुड़े जी की नाकामी, बीजेपी के ऊर्जा मंत्री है, पालक मंत्री भंडारा जिले के, और जो वादा किया वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। देखो कैसा है, बच्चा पैदा होता है उनको चलने के लिए कुछ समय लगता है, उसी तरह से ये भी काम हो जाएंगे। संविधान में लिखा है कि 10 साल के बाद मुद्रा चेंज होना चाहिए, समझ गए? और ये जो इक्वली जो कांग्रेस के घर में नोटों की गड्ढे भरे हुए थे वो सब भारतीय संविधान में ये भी लिखा है कि OBC को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, तो भी मोदी सरकार ने आरक्षण कम किया है।
52% आरक्षण का ख्याल नहीं आया, चालू है अभी फिर 5 साल में इनको 52% का ख्याल आया अभी 5 साल में 70 साल में 56 साल में नहीं हुआ। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो 56 साल में ऐसा नहीं हुआ। 52% आरक्षण चाहिए और अभी 5 साल में हमारा और जो 27% भी आरक्षण दिया था उनमें से भी कम किया गया है, पूरा आरक्षण नहीं मिल रहा है हमने को 19% है। अभी मुझे बताइए कि अभी भारत के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का अपने सीना बताते उन्होंने जैसा पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर हमला करके एयर स्ट्राइक करके उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी और इसमें अपना जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी ये विरोध करते हैं तो ये क्या उचित है? पुलवामा हादसे में वो तो सैनिक का काम था लेकिन नीरव मोदी और विजय मल्ल्या जो भगे ये दोनों गुजरात के और दोनों गुजराती है, पहले उनको लाना चाहिए ना मोदी ने, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या को, उन्होंने तो करोड़ों रुपए लेके गए उनको लाना चाहिए और बाद में मेरा सीना 56 का है क्या 70 का है फिर बताना। जो जो ये सवाल पूछा गया उनका मैं जवाब देता हूँ कि पुलवामा जो ये प्रोग्राम हुआ पुलवामा का ये मोदी ने जानबूझ के बना है क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं थे, उसने किया क्योंकि 200 किलोमीटर का 200 किलो का जो ये मैटर है वो सिक्योरिटी होने के बाद भी अंदर आया कैसा, ये हमारा सवाल, ये देश विरोधी दे रहे समझ गए, क्योंकि पुलवामा में जो हुआ है ये सब कांग्रेस वाले पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे और देश का विरोध कर रहे, इनको देश में रहने कोई अधिकार नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान में चला जाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि मोदी सोते नहीं है, अगर मोदी सोते नहीं है तो प्रशासन शासन सोता नहीं। फिर ये जो RDX तो गाड़ी में आया था 40 किलोमीटर गाड़ी गई थी तो ये कैसी गई, ये क्या कर रहे थे, पे सुरक्षा ये क्या कर रहे थे पे पे है। अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए ठीक है लेकिन हमारे 40 जवान जो शहीद हुए उसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है हमने मार दी उधर पाकिस्तान में कर लिए सब्जी का स्टाइल लेकिन 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 एक मिनट लेकिन जो हमारे सैनिक शहीद हुए और ये प्रधानमंत्री सोते नहीं बहुत काम करते तो गाड़ी इनके आंखों के सामने गुजरी कैसी, आंखों के सामने गाड़ी गुजरी कैसी, ये सब जब मुक्ति मुख्यमंत्री अब्दुल्ला फारूक था फारूक अब्दुल्ला उन्होंने जो नियम लगे हुए थे वो नियम को हटा दिए थे वहां से, वो चेकिंग पोस्ट जो था वो साइड करके इसके लिए वो वहाँ से गाड़ी सीधी निकली, उन्होंने अभी ये नहीं किए थे स्टार्ट, इसके लिए वो वहाँ से चेकिंग जो थी वो बंद होने से ऐसा ये हुआ है और ये कांग्रेस का पूरा हाथ है इसमें, कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का पूरा हाथ है, कांग्रेस आतंकवाद को सपोर्ट दे रही है, ये आतंकवाद को अजहर महमूद को जी सर बोलती है और हमको गाली देती है, ये राहुल गांधी बेरोजगारी फैलाता है, ये राहुल गांधी देश को बर्बाद कर रहा है और इसीलिए नहीं अभी भाजपा का सारा देश बहुत मजबूत हाथ में है और बहुत सही दिशा में चल रहा है समझ गए। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि मोदी साहब का विजय जरूर होगा, क्यों कि वो गरीबों के हिस्से सब चल रहे हैं और इनको दिक्कत लग रही है, जो भ्रष्टाचार थी जो चोरी थी वो बंद हो गई सब, अभी यहाँ पर हमने देखी गरमा गरम चर्चा यहाँ पर हुई है सभी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रवादी की तरफ से अन्य और दलों की तरफ से यहाँ पर आप अपने उन्होंने अपने विचार रखे और हमने काफ़ी सारे विषयों पर भंडारा जिले के सारे विषयों पर हमने चर्चा की और यहाँ पर ये बोला गया कि वाकई में भंडारा जिले के अंदर बड़े रोजगार यहाँ पर शुरू नहीं हुए हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिला है, बिलाए बीजेपी उसके ऊपर कुछ कमेंट्स करें लेकिन बड़े मात्रा में यहाँ पर रोजगार मिला नहीं है, ये बात तो सच है। जो जो वादे पालक मंत्री ने यहाँ पर किया था लाखांदूर में आके वो भी वादे पूरे नहीं किए और पुलवामा की जब बात आती है तो ये सारा आरोप कांग्रेस के ऊपर थमा जाता है और यहाँ पर बड़ी गर्मा गर्म बहस यहाँ पर हो रही है। वाकई में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, आने वाले 11 तारीख को इसके चुनाव होने जा रहे हैं और 23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं और 23 तारीख को यहाँ भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई किसका चयन करता है ये मतदाता राजा मतदाता है वो चुनाव करेगा। लेकिन सच बात यह है कि भंडारा जिले के अंदर अभी पिछले 5 साल के अंदर रोजगार की स्थिति बड़ी बिकट है, किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया, इनका ये कहना है। मनीषा लांजवार MNS न्यूज भंडारा। यह है लोकसभा क्षेत्र की जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा, तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, तब तक के लिए धन्यवाद।
We'll be right back.